खबर राजस्थान के अलवर से है, जहां एरिया डोमिनेशन के तहत खैरथल पुलिस की विशेष कार्रवाई, 130 अपराधियों की गिरफ्तारी और अवैध हथियार बरामद किए गए। खैरथल जिले में अपराध पर नियंत्रण के उद्देश्य से खैरथल पुलिस द्वारा व्यापक कार्रवाई की गई। महानिरीक्षक पुलिस जयपुर रेंज अजय पाल लांबा के आदेश पर पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार चौधरी के निर्देशन में विशेष टीमों का गठन कर विभिन्न थानों में प्रभावी कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई का उद्देश्य इलाके में अपराधियों और अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाना था। अवैध हथियारों की जब्ती में अभियान में कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 4 देसी कट्टे और 2 पिस्तल बरामद किए गए। कुल गिरफ्तारी विभिन्न धाराओं के तहत 130 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें अस्थायी वारंटी, उद्घोषित अपराधी और अन्य अपराधों में संलिप्त लोग शामिल हैं। विशेष पुलिस टीमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतनलाल भार्गव के सुपरविजन में गठित टीमों ने खुफिया जानकारी के आधार पर वांछित और इनामी अपराधियों के ठिकानों पर दबिश दी। आर्म्स एक्ट, NDPS एक्ट, आबकारी एक्ट, हत्या, डकैती आदि मामलों में वांछित अपराधियों को चिन्हित कर धरपकड़ की गई। खैरथल में अवैध हथियार के मामले में 1 गिरफ्तारी और अन्य अपराधों में 3, कुल 4 गिरफ्तार किए गए। किशनगढ़ वास में अवैध हथियार के मामले में 2 गिरफ्तार, वारंटी की गिरफ्तारी संख्या 5 व अन्य अपराधों में कुल 45 गिरफ्तार किए गए। कोट कासिम में अवैध हथियार के मामले में 3 गिरफ्तार, अन्य मामलों में 2 और कुल 5 गिरफ्तार हुए। मुंडावर और ततारपुर विभिन्न अपराधों में गिरफ्तारी की गई। कार्रवाई का उद्देश्य और प्रभाव क्या रहा? इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में शांति बनाए रखना और अपराधियों के मन में कानून का डर पैदा करना था। पुलिस का मानना है कि ऐसे सख्त कदमों से इलाके में अपराध दर में कमी आएगी, लेकिन साथ ही भविष्य में पुनर्वास और सुधार की योजना की भी जरूरत पड़ेगी, ताकि अपराधियों को मुख्य धारा में लाया जा सके। ये कार्रवाई क्षेत्रीय सुरक्षा को बेहतर बनाएगी और जनता में विश्वास बढ़ाएगी, जिससे कानून व्यवस्था में मजबूती आएगी। आज श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस जयपुर रेंज जयपुर के आदेश अनुसार श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय खैरथल के निर्देशानुसार श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय खैरथल तिजारा और श्रीमान व्रताधिकारी महोदय किशनगढ़ वास के सुपरविजन में मन थानाधिकारी के नेतृत्व में अपराधियों की धरपकड़ का अभियान चला गया था। इस अभियान के तहत थाना पुलिस के द्वारा 3 व्यक्तियों को अवैध आंच के साथ पकड़ा गया तथा 2 व्यक्तियों को अवैध हथकड़ शराब बेचते हुए को पकड़ा गया। इसके अलावा 5 वारंटी जो कोर्ट कैसेज में फरार चल रहे थे, कोर्ट में पेशी पर उपस्थित नहीं आ रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया तथा अन्य वांछित अपराधियों को गिरफ्तार कर कुल 16 अपराधियों को गिरफ्तार किया जाकर सफलता हासिल की है। इस अभियान के तहत कार्रवाई की गई है, जिससे अपराधियों में अपराध करने के प्रति धैर्य रहे और शांति बनी रहे, और ये कार्रवाई हमारी आगे भी निरंतर जारी रहेगी।